हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12:43 और हम लोग अभी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दिया था। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं और हमारे साथ जो किन्नर कला यात्रा करने गए थे तो हमें नीतू दी मिले हैं, क्योंकि हमेशा हम लोगों को मिलते नहीं है तो आज मिले हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा किन्नर कैलाश ट्रैक के लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बताइए दीदी, आपका नाम क्या है और क्या आपके? ओके, मेरा नाम नीतू चोपड़ा है और मैं 5 साल से ट्रैवल कर रही हूँ। अभी मैं शिमला से पैदल यात्रा पे निकली हुई हूँ। 200 किलोमीटर ऊपर पैदल हो गया मेरा और 2 तारीख को स्टार्ट किया था। आई थिंक आज 3-4 तारीख होगी। हाँ, 4 तारीख है। 4 तारीख है तो 1 महीना 2 दिन हो गया मेरे को पैदल यात्रा करते हुए। श्रीखंड महादेव भी मैंने किया है एंड एवरेस्ट बेस कैंप भी किया है। ट्रैकिंग मैंने बहुत कुछ किया है, अन्नपूर्णा किया है, परमुस्तांग किया है, चादर ट्रैक किया है। ट्रैक के मामले में जब लोग बोलते हैं ना कि ये ट्रैक बहुत टफ है, उसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, हर ट्रैक यूनिक होता है। जब आप ऐसी जगह पे जाते हो जैसे शिव जी की जगह पे जाते हो, केदारनाथ वगैरह, तो वहाँ आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है श्रद्धा। श्रद्धा बहुत काम आती है और वो श्रद्धा ही आपको ऊपर तक लेके जाती है। हमारे साथ काफ़ी लोग थे जो नीचे आ गए तो बोले परीक्षा लेगा, जैसा ये बोलते भला जो हमेशा बोले परीक्षा लेगा। बट हमने भी बोले को बोला ऊपर जाके, कल हमने जो की ना ट्रैकिंग भाई पूरी बारिश में भीग के, तो हमने बोला बोले परीक्षा लेनी ले, हम भी टॉप करने वाले स्टूडेंट हैं यार, हम भी हार नहीं मानने वाले। सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक चीज़ है कि पहाड़ों में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, जब भी आते हो प्रॉपर गियर के साथ में हो, जूते जो स्लिपरी ना हो, रेनकोट आपका प्रॉपर हो जो आपको पूरा लाइक प्रोटेक्शन दे सके, सामान आपके पास कम से कम रहे, ठीक है, और थोड़ा बहुत कुछ खाने का एनर्जेटिक सामान जो होता है बस, बाकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आओ। जैसे हमारे साथ काफ़ी लोग थे जिन्होंने कभी पैदल चला भी नहीं था, ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस मैंने भी, मेरे लिए भी, मैं जब श्रीखंड करके, उसके बाद मैंने पहले यूला किया और यूला करने के बाद में मैंने गैप नहीं दिया, मैंने तुरंत श्रीखंड महादेव किया। तो जब हमारी प्रैक्टिस होती है ना तो हमें ये इतना वैसे डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो यहाँ आने से पहले सिर्फ एक ही सजेशन है, थोड़ा सा एक छोटा ट्रैक मार के आओ या फिर हल्की फुल्की प्रिपरेशन करके आओ तो यहाँ पे मज़ा आएगा, आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं करके आओगे तो चढ़ नहीं पाओगे, 100% आप चढ़ोगे, बट मज़ा आएगा, अलग से मज़ा आएगा। किसी भी बड़े ट्रैक को एंजॉय करने का एक ही तरीका है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ, बस यही कहना चाहूँगी। जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैं ट्रैक वगैरह कुछ नहीं करता, जैसे यहाँ पे आया मुझे 12 घंटे लग गया ट्रैक करने में, फिर अच्छे से दर्शन, वहाँ जाके रोना आ गया, इतना मतलब भले भर आदमी परीक्षा लिया हमारा, ठीक है। और एक चीज़ है कि जैसे जब मैं चलती हूँ तो मैं सबसे पीछे होती हूँ, सारे लोग मेरे से आगे होते हैं, बट मैं बीच में ब्रेक नहीं लगाती हूँ, मैं अपने फ्लो में चलती हूँ, एक कदम पे एक सांस, बहुत आराम आराम से, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, टेक योर टाइम, बट थकने नहीं देना है बॉडी को, तो अपने फ्लो में चलो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेसेस। तो मैं सबसे पहले, ये मेरे साथ में, मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ी हूँ और सबसे पहले नीचे भी उतरी हूँ, ठीक है, तो इसलिए अपने पेज में चलना है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, बस आराम आराम से चलते रहना है। और मैं हमेशा सबसे पीछे होती हूँ, जब मैं आती हूँ तो मैं सबसे आगे होती हूँ, तो बस यही कहना चाहूँगी। बस ये आ गए हमारे लोग भी पीछे पीछे। नहीं, मुझे डाउन में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चढ़ाई में होता, मुझे ओनली चढ़ाई में प्रॉब्लम होता है। जैसे आप लोग रुक रहे हो तो हम भी रुक रहे हैं, नहीं तो मैम भी हाँ। और आने वाले जो श्रद्धालु आएगा उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस, कोई टिप्स? बस यार ये बोलूँगी, गियर प्रॉपर लेके आओ सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि गियर आपको कई बार खजल कर देता है। और एक चीज़, ग्लव्स आप स्टिक रख लो, लेकिन जैसे आप रोप वगैरह पकड़ते हो ना तो ग्लव्स आपको काफ़ी स्ट्रेंथ देता है। तो ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक है जो आप ट्रैक के टाइम पे फॉलो कर सकते हो। और बाकी माइंड में रखो कि मज़े करने आए, ट्रैक को ट्रैक की तरह मत देखो कि ये ट्रैक है या गोल है, मज़े करने आए, फुल पूरे रास्ते मज़े करते हुए जाओ। हमारे साथ कुछ लोग वापस रह गए थे और हमें बहुत खुशी है कि हम उनको मोटिवेट करके रास्ते पे भेज पा रहे हैं, तो अब आज वो भी दर्शन करके उतरेंगे, उनके लिए भी बड़ी खुशी हो रही है हमको। तो बस जो भी कर रहे हो माइंड से सोच के आओ और किसी भी चीज़ को सीरियस मत लो यार, लाइफ में जब पैदा हुए थे तो रोते हुए पैदा हुए थे, हंस के जाओ, बस यही कहना है मेरा। पलाश सजमल ब्लॉग, क्योंकि ये लोग, ये भाई बड़े डेडिकेशन से ब्लॉग बना रहे हैं हर जगह पे, तो इनको सपोर्ट करो और इनके चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दो, मैं भी इस वीडियो को प्रॉपर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, आप लोगों ने नीतू दीदी का बात सुना जो किन्नर कैलाश यात्रा की, बहुत ही मतलब कठिन चढ़ाई है ये, तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, आगे और भी बात करना है। ओके दोस्तों।